फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुगम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो अगेन आज मैं बहुत ही अच्छा, बहुत ही रिक्वेस्टेड वेट लॉस का ट्रिक लेके आई हूं। जी हाँ, आज मैं बात करूंगी ग्रीन कॉफ़ी की, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मेरे रेकमेंडेशन पे ग्रीन कॉफ़ी मंगवाई है लेकिन उनको बेनिफिट नहीं हो रहा है, उनका ऐसा कहना है। मे बी आप उसको सही तरीके से ना ले रहे हो, मे बी आप उसको रेगुलर बेसिस से ना ले रहे हो, आज लिया कल नहीं लिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो लोग ले रहे हैं रेगुलर बेसिस पे लें, और कैसे लेना है, कब लेना है, जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा है फटाफट से मेरी गैलरी में जाएं, वहां देखे जाके ग्रीन कॉफी से रिलेटेड वीडियो। देन अगर उसके बाद भी आपको ग्रीन कॉफी फायदा नहीं करती है, तो आज मैंने जैसे आपको बताया है कि ग्रीन कॉफी को एक नए फॉर्मूले के साथ आपको कैसे लेना है, इफेक्टिव रिजल्ट देगी। जिनका भी वेट स्टे कर गया है कॉफी, ग्रीन कॉफी पीने के बाद, अगर उन्होंने ड्रॉप कर दी है और उसके बाद उनका वेट बढ़ गया है, इवन बढ़ गया, या फिर वो आगे बिल्कुल रुक गया है और वो हर चीज ट्राई कर रहे हैं, इवन एक्सरसाइज भी ट्राई कर रहे हैं, तब भी उनका वेट लॉस नहीं हो रहा। लेकिन अगर इस तरह से, जैसे आज मैंने आपको बताया है ग्रीन कॉफी बनाने का तरीका, अगर इस तरह से आप इस ग्रीन कॉफी को बनाएंगे, ऑसम रिजल्ट आएगा। क्योंकि मेरे साथ भी बीच में ऐसा हुआ था कि ग्रीन कॉफी ने भी वर्क करना बंद कर दिया था, तब मैंने इस तरह से ग्रीन कॉफी लेना स्टार्ट किया था और वेट तो लॉस हुआ ही हुआ था, इंचेस भी बहुत ही ऑसम तरीके से लॉस हुए थे। और अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, अच्छा लगता हो तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, के लिए आपको गैस पे एक भगोना चढ़ाना है, पैन चढ़ाना है, और आपको उसमें एक कप बड़ा वाला, नो छोटा कप नहीं, बड़ा वाला कप आपको पानी लेना है, या फिर आप 250 अगर ml में बात करूँ तो 250 ml आपको वाटर लेना है, उसे गर्म होने देना है। देन आपको ग्रीन कॉफ़ी बीन्स लेना है, जो मैंने आपको रिकमेंड की थी वो, या अदर कंपनी की, लेकिन जो मैंने रिकमेंड की थी वो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी ऑसम रिजल्ट है। न्यू हॉप्स की मैं ट्राई करती हूँ, तो जिसे मैंने बीन्स को ग्राइंड कर लिया था, तो आपको 1 tablespoon इसमें भर के डालना है। उसमें एक स्पून दिया हुआ था, आपको अपना स्पून की जरूरत भी नहीं है, 1 tablespoon आपको इसमें भर के डालना है। मुझसे बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि ग्रीन कॉफ़ी बीन्स में कलर नहीं आता है, ग्रीन कलर नहीं आता, तो अभी आपका लाइव डेमो भी है कि आपका ग्रीन आता है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने ग्रीन कॉफ़ी पे वीडियोस बनाए हैं। जिनको और सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए वहाँ पे जाके दिख सकते हैं, लेकिन आपको है इसमें ग्रीन कॉफ़ी बीन्स का 1 tablespoon भर के डालना है। देन आपको, जिनको एक चीज़ मैं बताऊंगी, जिनको पाइल्स की दिक्कत है वो अदरक का यूज़ नहीं करेंगे, जिनका पेट बहुत गर्म करता है वो अदरक का यूज़ नहीं करेंगे, अगर करेंगे भी तो आप बहुत ही लेस क्वांटिटी में करेंगे। और ये जो है मेरी चाय बॉयल हो रही है, और इसको ऐसे ही आप बॉयल होने दीजिए, अच्छे से गर्म हो जाए, कुछ बबल्स उसमें पड़ने लगे, देन आपको इसमें 1 tablespoon से खाली, यानी 1/2 tablespoon आपको इसमें अदरक घिस के डालनी है। आप चाहे तो जूस भी डाल सकते हैं, लेकिन ये मुझे मेथड काफ़ी अच्छा लगता है। पाइल्स वालों को ये नहीं लेना है, पेट गर्म करता है उनको लेस क्वांटिटी में यूज़ करना, और जिनका सब कुछ सही रहता है तो वो जो 1/2 tablespoon भर के डाल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जूसी वाली अदरक हो आपके लिए, तो वो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी उसके बाद। तो अब आपको यहाँ पे इसे बॉयल करना है, अदरक एंड ग्रीन कॉफ़ी डालने के बाद इसे बहुत अच्छे से बॉयल करना है। एक जो है मैं क्लोज लुक भी इसका देना चाहूँगी, तो इस तरह से ये है, कलर अदरक का भी आएगा, इसमें कॉफ़ी का भी अदरक आएगा, दोनों को मिला के 2 से 3 मिनट आपको धीमी आंच पे बॉयल करना है, यानी कि सारे एक्सट्रैक्ट आपको अदरक के भी लेने हैं एंड ग्रीन कॉफ़ी के भी लेने हैं। अगर ग्रीन कॉफ़ी बनानी है तो अदरक मत डालिए नॉर्मल, जो अभी फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं, या फिर मेरे अदर वीडियो देख लीजिए कि मैं किस तरह से ग्रीन कॉफ़ी रेडी कर। कॉफ़ी जो है वो बनके रेडी है, तो इसमें मैंने अदरक डाला है एंड ग्रीन कॉफ़ी डाल के बॉयल किया है, तो इसका जो कलर है वो इस तरह से आया है। अगर आप सिर्फ ग्रीन कॉफ़ी बॉयल करेंगे तो ये ग्रीन हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपको एक लेमन लेना है, थोड़ा सा मीडियम साइज़ का, ना बहुत छोटा ना बहुत बड़ा, एक लेमन आपको इसमें स्क्वीज़ करना है और उसका रस लेना है, इस तरह का, इतना मीडियम आपका चलेगा। और ये कॉफ़ी आपको सिर्फ रात में लेनी है, अगर दिन में आपने एक टाइम इसे लेना स्टार्ट कर दिया, चर्बी पिघलेगी, मोटापा घटेगा, डायबिटिक वालों के लिए काफ़ी अच्छा ये है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, अगेन मैं बोलना चाहूँगी कि जिनको भी पाइल्स की दिक्कत है अदरक न डालें, सिर्फ लेमन से ही काम चलाएं, और जिनको पेट गर्म रहता है वो बहुत ही लेस क्वांटिटी में यूज़ करें, या फिर सिर्फ लेमन से काम कराएं। इस तरह से आप इस ग्रीन कॉफ़ी के जो भी बेनिफिट्स हैं उसको एनहेंस कर सकते हैं, और सिर्फ रात में लेना है, ये चीज़ मैं फिर से आपसे बोलना चाहूँगी। तो फ्रेंड्स,
डिफरेंस देखा, जैसे बहुत से लोग शिकायत थी कि आपने जो कॉफ़ी रिकमेंड की है उसका कलर ग्रीन नहीं होता, तो मैंने वो भी आपको दिखाया कि इसका कलर ग्रीन होता ही होता है। साथ ही साथ अगर इस तरीके से आप लोग देखिए, जिन लोगों को भी पाइल्स की दिक्कत है तो वो जो है अदरक स्किप करके सिर्फ लेमन यूज़ करें, लेकिन जिनको अगर जिनको भी प्रॉब्लम नहीं है या फिर जिनका पेट गर्म रहता है वो उसकी क्वांटिटी कम कर दें, लेकिन जो जिनके साथ सब कुछ सही है तो वो जितनी मैंने बताई है उतनी आप लीजिए, एक लेमन डालिए और उसके बाद इसका, और हाँ सिर्फ इसको रात में लेना है, ना मॉर्निंग ना कहीं नथिंग, सिर्फ रात में सोने से पहले आप इसे लीजिए और उसके बाद देखिए क्या मैजिक होने वाला है आपकी बॉडी पे। वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।